हेलो स्टूडेंट्स, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव एंड वैद्युत द्विध्रुव भाग। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव भाग में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव मीन्स टू, कि दो आवेशों का ऐसा समूह है। कितने आवेश होते हैं इसमें? दो। एक आवेश पॉजिटिव है तो दूसरा आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। दोनों का परिमाण एक दूसरे की क्या होता है? समान। प्रकृति क्या होती है? विपरीत। और जब इन दोनों को थोड़ी अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो इसको कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर? सेकेंड हमारा टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मीन्स वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे आवेश पॉजिटिव हो चाहे आवेश नेगेटिव हो, उसका परिमाण हमेशा किसमें होगा? प्लस। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और दोनों के मध्य की दूरी या विस्थापन के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश का तो परिमाण और उनके बीच की प्रभावी लंबाई या दूरी के गुणनफल को हम किस नाम से जानते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर कनेक्ट है? और वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो एक कैसी राशि है? सदिश। सदिश क्या होती है? कोई भी ऐसी राशि जिसमें परिमाण तो होगा, परिमाण के साथ साथ क्या होगी? दिशा, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दोनों होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के नाम से जानते। क्लियर? फिर लेते हैं इसका मात्रा। आवेश, आवेश का क्या होता है? कूलांब। दूरी, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो मात्रक क्या होगा? कूलांब मीटर। अदर सेकेंड क्या ले लेते हैं? डिवाइड। सेकेंड क्या लेते हैं? डिवाइड। और एक डिवाइड इक्वल टू, आप याद रख लीजिए, 3.3 × 10⁻³ कूलांब मीटर। 3.3 × 10⁻³ कूलांब मीटर। क्लियर? फिर हम लेते हैं इसकी विमान। विमान कूलांब, कूलांब की हम पढ़ती है ए1 टी1, मीटर लंबाई, लंबाई की क्या होगी? L1। एक साथ लिख दीजिए L1 T1 A1। जरूरी नहीं है कि हम इसको पावर में रिप्रेजेंट करें, L L T A। और इसको हमेशा किस में रखते हैं? बड़े पुष्कर। कंप्लीट दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से कहां होती है? माइनस की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा कहां होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा कहां होगी? माइनस से प्लस की ओर। तो या तो आप लिख दो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है? विपरीत। या आप इसे लिख दीजिए कि माइनस आवेश से कहां होती है? प्लस की ओर। यदि आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश रूप में दर्शाना चाहते हैं, कौन से रूप में? सदिश। तो सदिश रूप में P एक सदिश राशि है, सदिश के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? वेक्टर का, तीर का चिन्ह, Q × 2A कैसी राशि है? सदिश, विस्थापन। ओके, इसके बाद हम लेते हैं ध्रुवीय में अध्रुवीय अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है या नहीं होता। अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं? वे अणु, कोई सा भी ऐसा अणु जिसमें धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र परस्पर क्या हो? समभाजी, एक के ऊपर एक।
जहां धन है वहीं क्या होगा ऋण, यानी दोनों के बीच की जो प्रभावी लंबाई है, प्रभावी दूरी है, वो क्या होती है आपकी जीरो। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण सदैव क्या होगा जीरो, जब दूरी नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा जीरो। और ध्रुवीय अणु वे अणु जिनमें धनावेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र परस्पर अल्प विस्थापित होते हैं, यानी उनके बीच थोड़ी थोड़ी क्या होती है दूरी, यानी धनावेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते, उन्हें कौन से अणु कहते हैं ऐद्रव्य, और इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। ध्रुवीय अणु जिनका द्रव्यमान आघूर्ण शून्य होता है, सॉरी ध्रुवीय अणु जिनका द्रव्यमान आघूर्ण शून्य द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, और ऐद्रव्य अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा क्या होता शून्य। कंप्लीट ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें अभी हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं आपके दो, एक माइनस एक प्लस, और दोनों आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित है, वो दूरी हमने रिप्रेजेंट कर दी टू से। क्लियर। अक्षीय स्थिति दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं, और इस अक्षीय रेखा को चाहे आप इधर बढ़ा लीजिए चाहे इधर, इस पूरे को हम क्या कहते हैं अक्षीय रेखा। और अक्षीय रेखा पर बिंदु की स्थिति को, अक्षीय रेखा पर बिंदु की स्थिति को उसकी अक्षीय स्थिति के नाम से जाना जाता है, और इसको हमने दर्शा दिया P से। इस बिंदु को किससे दर्शा दिया P से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं A, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं P, और कहां से निकालना है हमको इसके सेंटर से, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या ले लिया O, तो टोटल दूरी कितनी है 2a, तो हाफ कितनी रह जाएगी A, ये टोटल दूरी कितनी है ए से बी तक की 2a, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगी a। क्लियर। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर r पर, ये कोई बिंदु p लिया हमने अक्षीय स्थिति पर, और इस बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है गणना, वैद्युत क्षेत्र का क्या निकालना है परिमाण। तो बिंदु a से जो p की दूरी निकालेंगे, O से P की दूरी कितनी है R, तो A से P की दूरी ज्ञात करने के लिए टोटल R में से कितना सबट्रैक्ट कर लोगे, कितना घटाना पड़ेगा आपको A, तो ये दूरी आपकी क्या रहेगी R माइनस A। क्लियर। और यदि हम इससे लेते हैं यहां तक कितनी दे रखी है आपको R, ये कितनी है आपकी A, तो टोटल कितनी हो गई R प्लस A। क्लियर। सेकेंड, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां बता रखी है आपको बाहर, और माइनस आवेश से किधर और बता रखी है माइनस की ओर, प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के लिए माइनस की ओर। क्लियर। सबसे पहले हम लेते हैं बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण क्या लिया हमने ई ए,
यदि इसे परिमाण में दर्शाएं तो ये हो गया आपका E। E का फॉर्मूला कल आपने पढ़ाई था, E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon S। तो क्या रहेगा इसका, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon, दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की AB, AB का और स्क्वायर, और दिशा A से कहाँ जा रही है, P की ओर, तो आप लिखोगे दिशा A से P की ओर। क्लियर है, ये हमारे निकाला है प्लस की के कारण। अगर हम चाहे तो इसको चेंज कर दें, E A equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q, A P आप निकाल चुके हो, R minus A का होल स्क्वायर, दिशा आप लिख दीजिए A से P, और इसको मैं डाल दिया समीकरण नंबर एक। अब किसके कारण, B के कारण, बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन से कारण, माइनस, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी ईवी मोड में ई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, परिमाण में माइनस किसने बता दिया आपको, प्लस, अब दूरी कितनी हो जाएगी टोटल बीपी, बीपी का स्क्वायर, दिशा आप पी से कहा है बी की ओर, या पी से क्या बोल सकते हो ए की ओर, दिशा पी से बी, बीपी की हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ई बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिशा P से B में, और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर। अब देखिए EA की जो दिशा है और बिंदु P पर EB की दिशा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कितने डिग्री का कोण है 180, दोनों एक दूसरे की कहाँ है विपरीत, पर हमको तो बिंदु P पर परिणाम ही निकालना है, बिंदु P पर परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, क्या तो बिंदु P पर यदि हम परिणामी निकालेंगे तो क्या करोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या करेंगे, घटा दें, कैसे, ये दूरी क्या आ रही है कम, दूरी जितनी कम होगी वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होता है ज्यादा, दूरी ज्यादा करते जाओगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा कम। पहचान करने के लिए इसको ये वाले एरो को थोड़ा बड़ा कर दो और इसको क्या रख लो छोटा, क्योंकि ज्यादा है तो एरो के साथ ज्यादा, क्योंकि परिमाण को व्यक्त करता है, छोटा ले लोगे तो परिमाण क्या दिखाएगा कम, क्या किया ईपी इक्वल टू ई ए में से आपने ईवी को सब दिशा विपरीत होने के कारण, दोनों की आप क्या कर दो वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आप दोनों में देख रहे हो कि दोनों में Q कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो क्या लिखोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्या रहा ये कॉमन आ गया तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर से ये कॉमन आ गया तो R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ओके EP Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम हमको इसको सॉल्व करना है, इसमें है R माइनस ए का होल स्क्वायर और इधर क्या है R प्लस ए का, यदि आपको कुछ नहीं होता है दोनों नीचे वालों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो कंप्लीट, इससे ये कैंसिल, एक को R प्लस ए से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई,
माइनस इससे ये कैंसिल, इसको इससे कर लिखा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो EP इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पढ़ा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो r माइनस ए आर प्लस ए तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला स्टेप EP इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओपन कर दो r स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r का r स्क्वायर माइनस के साथ साथ गुणा करो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra कंप्लीट अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस ये प्लस ये कंप्लीट, दो को दो टोटल कितने हो गए चार। तो ईपी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया, ये आपका और चेंज कर देते हैं इसी, आप इसको लिख सकते हो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अलग कर दो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 आर ए। तो r को हम क्या करें r को अलग कर दें और a को इधर ले देते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं q इंटू 2 ए और 2 r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, 2 इंटू 2 ए क्यू इंटू 2 ए, इसको हम पढ़ चुके हैं पी पी इक्वल टू क्यू इंटू 2 ए, बैटरी द्विध्रुव आवेश आपने पढ़ा है क्यू इंटू 2 ए क्यू इंटू 2 ए। तो क्या आ जाएगा ई पी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2 आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन लेते हैं, यहां तक एक बार देख लो। सबसे पहले अच्छी स्थिति याद रखनी है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं और अक्षीय रेखा पर बिंदु की स्थिति को उस बिंदु की अक्षीय स्थिति के नाम से जानते। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, माइनस के कारण दिशा कहाँ होती है माइनस की ओर या अंदर की ओर। दिशा निकाल लो प्लस के कारण, फिर किसका माइनस, जिसका मान ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कर दिया सॉल्व कर लेना आपका यहां तक आ जाएगा। आगे अभी कंडीशन है बोर्ड में आपको कहा हम देखिए यहां तक आ गया, यदि r इज ग्रेटर देन ऑफ a, यदि आपको कंडीशन दे दी जाए कि जिस दूरी पर आप गणना कर रहे हो बिंदु o से p की दूरी जो r है वो a की तुलना में ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर। तो क्या जाएगा आपका 1 अपॉन ई पी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया 2 पी आर, नीचे बचेगा आर स्क्वायर और उसकी पावर कितनी होगी। तो क्या आया EP इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर, पावर को पावर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 1 आर से 1 आर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया EP इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर। लेकिन इस फॉर्मूले का कब यूज लेंगे, जब तो किसी भी न्यूमेरिकल में ये कंडीशन
यदि ये कंडीशन नहीं होती है तो कौन सी लेते हैं इस वाले फॉर्मूले का क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय विद्युत रेखीय तल में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव ए भी हमारा क्या चल रहा है? वैद्युत द्विध्रुव जिसका केंद्र क्या है? ओ। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है? ओ। और अक्ष के केंद्र बिंदु जो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु यानी अक्षीय रेखा के लंबवत द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय रेखा के लंबवत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू दोनों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा। इनके केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा के नाम से जाना। इस निरक्षीय रेखा पर केंद्र से कितनी दूरी पर? आर। केंद्र से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर ये कोई बिंदु हमने क्या दे दिया? पी। इस बिंदु पी पर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है? बाहर की ओर। और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? अंदर। क्योंकि प्लस के कारण हम दिशा पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर है? बाहर की ओर। और माइनस के लिए किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होती है? क्लियर। तो प्लस के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर 1/4πε0qr। तो बिंदु पी बी के कारण निकाल रहे हैं तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ई बी। तो किसी भी सदिश का यदि मॉड लेते हैं तो परिमाण में कन्वर्ट हो जाए 1/4πε0q और जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? बीपी का क्लियर है। बीपी की जगह किसको पुट करना है आपको? एक्स। तो बीपी की जगह एक्स दिशा बी से कहां जा रही है? पी की। तो दिशा आपकी आ गई बी। सिमिलरली हम किसके कारण निकालेंगे? माइनस के कारण। तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0q। अब दूरी क्या चलेगी? एपी यानी एपी का स्क्वायर। और एपी की जगह हमारा क्या चल रहा है? कोई एक्स। क्लियर। समीकरण एक आ गया आपका है, दूसरा आ गया समीकरण नंबर दो। अब ईए की जो दिशा आएगी अगर आप इसकी दिशा लिखोगे तो कहां लिखोगे? पी ए ई। एक बाय दो से जो ई ए की वैल्यू आ रही है वो ई बी की है या जो ई बी की है वो ई ए की है या ई ए की है वो ई। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया ई। अब डायग्राम में आओ, ई ए और ई बी दोनों परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है? अलग। और ये द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के साथ कितने डिग्री के कोण पर स्थित है? थीटा। ये कौन थीटा है? तो ये भी अपने आप ही क्या हो गया? थीटा। दो समांतर रेखाएं कट गई। यदि ये कौन थीटा है तो ये भी हमारे कोण क्या हो गया? थीटा। क्लियर। सिमिलरली इस थीटा की ये 90, ये 90, ये कौन इसके बराबर? तो ये बचा हुआ कौन? ये। और ये थीटा है तो ये वैसे क्या हो जाएगा? क्लियर है। अब इसका परिणाम ही निकालना है आपको। एक सदिश इधर जा रहा है दूसरा इधर, तो रजिस्टर कहां होगी उनकी? बीच। कौन से नियम से? सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज के नियम से। कि जब दो सदिश एक बिंदु पर कार्यशील होते हैं, जब दो सदिश एक बिंदु पर कार्यशील होते हैं तो परिणामी सदिश विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिणामी सदिश का जो भी परिणाम है वो किसके द्वारा निकालते हैं? विकर्ण, जिसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस। इसी के बेस पर आर हमारा परिणामी है तो इधर का परिणामी क्या हमारा है? ईपी। पी की जगह एक ले लिया, क्यू की जगह दूसरा ले लिया, वो वैल्यू हमने पुट करके
थीटा यहाँ कोण हमारा थीटा है और यहाँ ये कोण तो मतलब ए और बी के बीच का कोण ये कितना आ रहा है टू, ये टोटल कोण कितना है टू। क्लियर। ई ए और ई बी, ई ए और ई बी दोनों की जगह क्या माना है हमने ई, तो ये ई इसकी जगह ई, दो की जगह दो, ई ए की जगह भी ई, ई बी की जगह भी ई, एक और एक दो। क्लियर। ई को ई से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा आपका ई स्क्वायर कॉस कोटी का। इन दोनों में इसमें और इसमें आप देख रहे हो टू ई स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, क्या बचा था टू ई स्क्वायर, यहां से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या वन, इधर से ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा कॉस टू थीटा। क्लियर। और वन प्लस कॉस टू थीटा बराबर आप पढ़ते हो मैथ्स के अंदर कॉस टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने यहां पुट कर दिया। दो को दो से मल्टीप्लाई किया कितना आया चार, ई का ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। रूट में हम जानते हैं कि उसका वैल्यू क्या हो जाती है हाँ, तो चार का कितना हो गया दो, ई स्क्वायर का क्या आ जाएगा ई, कॉस स्क्वायर का क्या आ जाएगा कॉस। क्लियर। टू की जगह टू, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, चाहे ई मान लो चाहे ई बी, जिसको हमने ई लिखा है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। एक इसमें से कोई सा भी ले लीजिए हमने ट्रायंगल, ये वाला पार्ट कौन सा है ए, ये क्या है हमारा आ, ये एंगल कितने का है नब्बे का, हमको ये क्या निकालना है कर्ण, हम कौन से प्रमेय लगा देते हैं पाइथागोरस, ठीक है कौन सी पाइथागोरस, और इस ट्रायंगल से हम क्या निकालेंगे कर्ण का मान निकाल लो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब पावर कितनी होती है वन बाई टू, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स की, एक्स की वैल्यू करने के लिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू। ये वैल्यू आपने पुट कर दी तो वन बाई टू करोगे तो उसका टोटल कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, पहला आंसर तो आपका यहाँ आ गया। ये कंडीशन कब लेते हैं जब r की वैल्यू और e की, a की वैल्यू r की कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, लेकिन यदि a r की तुलना में कम होता है तब बोल देते हैं कि i स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में क्या मान लेते हैं ना, यानी a स्क्वायर को हटा दो क्या बचेगा आपका r स्क्वायर और उसकी पावर 3, दो से दो क्या हो गया कैंसिल, दो से दो कैंसिल क्या बचा पावर टी, तो आपका आंसर क्या जाएगा ईपी बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर। ओके तो बच्चों आज हमने तीन टॉपिक आपको कराए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की। यदि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और साइड में लगी हुई बेल